राम के राजतिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल मनाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात भर मंगल गान करती रहीं। सूर्योदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को ध्वजा पताका बंधनवार आदि से सजाने लगे। हाट बाजारों को भांति भांति के सुगंधित एवं रंग बिरंगे शो से सजाया गया। गवये नट नर्तक आदि अपने आश्चर्यजनक कर्तव्य दिखाकर नगरवासियों का मनोरंजन करने लगे। स्थान स्थान में कदली स्तंभों के द्वार बनाए गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अयोध्या नगरी नववधू के समान गारकर राम के रूप में दर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु राम के राजतिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस अद्भुत श्रृंगार की देखकर रानी कैकेयी की प्रिया दासी मद्रा के हृदय को असहनीय आघात लगा। वो सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेंगी। वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है और इसी कारण से महारानी केसी का ही राजमहल पर शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजप्रासाद की अन्य दासियों में सम्मान करती हैं। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा ये स्थान मुझसे छिन जाएगा। मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती। अतः इस विषय में अवश्य ही मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने प्रासाद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी आप सो रही हैं? ये समय क्या सोने का है? क्या आपको पता है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है? मंथरा के मुख से राम के राजतिलक का समाचार सुनकर कैकेयी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनाने की खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंथरे, तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई है। तू तो जानती ही है कि राम मुझे बहुत प्रिय है। इस समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी जो कुछ मांगेगी तो मैं वह भी तुझे दूंगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मंथरा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसका का तन बदन जल भून गया। पुरस्कार में दिए गए आभूषण को फेंकते हुए वो बोली, महारानी आप बहुत नासमझा हैं। स्मरण रखिए कि सीता का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू को भी एक दासी की ही पदवी मिलेगी। ये सुनकर कैकेयी ने कहा, नंबर राग महाराज के ज्येष्ठ पुत्र है और पूजा में अत्यंत लोकप्रिय है। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों से श्रेष्ठ भी हैं। राम और भरत भी एक दूसरे को भिन्न नहीं मानते क्योंकि उनके बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं, इसलिए राम को राज्य मिलना भरत को राज्य मिलने के जैसा ही है। ये सब सुनकर मंथरा और भी दुखी हो गई। वो बोली, किंतु महारानी आप यह नहीं समझ रही है कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा। ये भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दे या यमलोक ही भेज दे। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने उत्तर दिया, एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्रों से महाराज दशरथ का शरीर जर्जर हो गया था और ये मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले में उन्होंने आपको दो वरदान प्रदान किया था जिसे कि आपने आज तक नहीं मांगा है। अब आप एक वर से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर से राम के लिए 14 वर्ष तक का वनवास मानकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्रातिशीघ्र अपर मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चले जाइए।
महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे अवश्य ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे, किंतु स्मरण रखें कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन अवश्य ले लें, जिससे कि वे उन वरदानों को देने के लिए बाध्य हो जाएं। मंत्रा के कथन के अनुसार कैकेयी कोपभवन में जाकर लेट गई।